Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. Dr. Homi Bhabha Bal Vigyanik Competition, इस exam के लिए हम सब लोग preparation कर रहे हैं. Standard 6th और Standard 9th के बच्चे इस exam के लिए जा सकते हैं. इस exam के forms, registration forms निकल चुके हैं, आपने देखा होगा. मेरे channel पर पूरा schedule मैंने describe किया हुआ है, video available है, जरूर देखिए. यहाँ पर चैनल पर मैं इस एग्जाम से लिए हुए क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ और यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन मिल जाते हैं ताकि वो पूरी कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाती है. आप जिस एग्जाम के लिए जाने वाले हो उसमें अगर उसी कंसेप्ट पर कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो. यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है. अगर आपको बायोलॉजी सेक्शन से स्टैंडर्ड 9th के लिए कुछ डाउट है, कुछ चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, इवन फ्रॉम योर एकेडमिक्स, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो. वी कैन हैव ऑनलाइन वन ऑन वन सेशन एंड आई कैन सॉल्व योर डाउट. चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं. आज का क्वेश्चन है पेपर 2023 से लिया हुआ एमसीक्यू है ये. यहाँ पर देखो हमें मैच द फॉलोइंग करना है. एक तरफ सेल ऑर्गेनली दिए गए हैं और उनके फंक्शन दिए गए हैं दूसरे कॉलम में. न्यूक्लियस, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और उनके फंक्शन यहाँ पर है. प्रोड्यूसेस वैक्यूल्स, मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल, कंट्रोल ऑन द सेल डिविजन, इम्यून सिस्टम. तो इन ऑर्गेनली के साथ ये फंक्शन हमें मैच करने हैं. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग पूरी रिवीजन लेते हैं, पूरा टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम आंसर तक पहुंच पाए. तो चलिए इस रिवीजन में सबसे पहले न्यूक्लियस की बात करें. सो दिस इज अ इमेज ऑफ न्यूक्लियस. इस वीडियो में जो भी इमेजेस, सारी इमेजेस ली गई है, चारों ऑर्गेनेल की इमेजेस मैंने ली है यहाँ पर, वो स्टैंडर्ड 8 के चैप्टर 10th से ली हुई है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक से. ठीक है, साइंस टेक्स्ट बुक से. इसका रेफरेंस यहाँ पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया है. तो देखो ये न्यूक्लियस है, हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, क्रोमैटिन मटेरियल इज देयर एंड वन न्यूक्लियोलस इज देयर. ठीक है, सो इसके फंक्शंस अगर देखो तो दिस इन्वॉल्व्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग. इसके अलावा दिस कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल. जो भी प्रोटीन्स बनने जा रहे हैं सेल में वो सब यहाँ पर कंट्रोल होते हैं. एंड इट कंट्रोल्स सेल डिवीजन. ये पॉइंट मैंने रेड कलर में किया है ताकि, मतलब ये हमें क्वेश्चन में पूछा है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है. तो इस तरीके से ये फंक्शंस हैं न्यूक्लियस के. फिर देखो अगला ऑर्गेनेल हमें जो दिया है दैट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स. इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पर सिस फेस, ट्रांस फेस, फिर फ्यूजिंग वेसिकल. यहाँ से आके वेसिकल फ्यूज हो जाते हैं और यहाँ से सिक्रेटरी वेसिकल्स, नए वेसिकल निकल के बाहर चले जाते हैं. सिस्टर्नी इस स्ट्रक्चर को कहते हैं. ल्यूमेन है, बड़ा एरिया है, सो इट्स अ ल्यूमेन. ये स्ट्रक्चर है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का. तो ये बेसिकली सिक्रेटरी ऑर्गन है सेल का एंड दिस मॉडिफाइड सॉर्ट एंड पैक द मटेरियल्स. जो भी प्रोटीन्स तैयार होते हैं सेल में वो यहाँ आके अच्छी तरीके से मॉडिफाई होते हैं. उस पर उस प्रोटीन को कहाँ जाना है उसका, जैसे कि एड्रेस लिखा जाता है कि भैया इस प्रोटीन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाना है, इस प्रोटीन को न्यूक्लियस जाना है, इस प्रोटीन को सेल के बाहर जाना है. तो ये सब काम गोल्गी कॉम्प्लेक्स के होते हैं, पोस्ट ऑफिस की तरह कह सकते हो इसको. तो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है. और यहाँ से देखो वैक्यूल्स एंड सिक्रेटरी वेसिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, जो यहाँ दिख रहे हैं ना सिक्रेटरी वेसिकल. तो इनमें प्रोटीन बैठ के चला जाता है जिस जहाँ पर उसको जाना रहता है. तो ये फंक्शन जो हमें हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है. ठीक है, फिर देखो अगला ऑर्गेनेल जिसकी बात हुई है क्वेश्चन में वो है लाइसोसोम. कुछ इस तरीके से दिखता है. इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल एंड एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस आर प्रेजेंट.
इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इम्यून सिस्टम में, जो भी इन्फेक्शियस एजेंट आते हैं जिसको हम पैथोजन कहते हैं, वायरसेस हो बैक्टीरिया हो, तो उनको किल करना ये काम है लाइसोसोम का। इस वजह से ये इम्यून सिस्टम का इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनली है। इसे डिमोलिशन स्क्वाड भी कहते हैं बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज वॉर्न आउट सेलुलर ऑर्गेनलीज। ये आउट होना चाहिए, आर लिख गया, मुझसे गलती हो गई है यहाँ पर, सॉरी, वॉर्न आउट चाहिए। सेलुलर ऑर्गेनलीज है ऑर्गेनिक डेब्रीज, ऑटोलाइसिस जिसे कहा जाता है। ये एक सुसाइड बैग की तरह है, जो भी चीज़ें हैं, जो सेल्स हैं, जो ओल्ड हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, तो वहाँ पर लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है उस सेल का, एंड दैट एंजाइम्स जो होते हैं उसमें, दैट डाइजेस्ट देयर ओन सेल्स। इसके अलावा देखो, ड्यूरिंग स्टार्वेशन कंडीशन लाइसोसोम्स डाइजेस्ट स्टोर्ड प्रोटीन्स एंड फैट्स। इस तरीके से ये लाइसोसोम और एक ऑर्गेनली जो क्वेश्चन में पूछा है, दैट इज अ वैक्यूल्स, इस तरीके से दिखता है। दिस मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल, इसका फंक्शन जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। इसके अलावा देखो, इसके फंक्शंस है, दिस स्टोर्स मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स एंड एंड प्रोडक्ट्स, जैसे कि ग्लाइकोजन स्टोर करने के लिए है, प्रोटीन, वाटर, ये सब चीजें स्टोर करता है। इन एनिमल सेल दिस स्टोर्स वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड फूड, वाइल इन अमीबा इट स्टोर्स फूड बिफोर डाइजेशन। प्लांट सेल की बात करो तो दैट वैक्यूल स्टोर्स द सेल सैप एंड दैट प्रोवाइड्स द टर्जिडिटी रिजिडिटी टू सेल। ठीक है, प्लांट सेल में सबसे बड़ी ऑर्गेनली होती है वैक्यूल, बहुत बड़ा एरिया ये ऑक्यूपाई करती है। अपने प्लांट सेल की डायग्राम देखी होगी, और बाकी सारे ऑर्गेनली से जो बची जगह है उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी ऑर्गेनली इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। तो चलो, इतना समझने के बाद, ये न्यूक्लियस का फंक्शन जो है वो है कंट्रोल ऑन सेल डिविजन। लाइसोसोम का फंक्शन हमने देखा रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम। वैक्यूल्स आर देयर टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल, एंड गॉल्गी कॉम्प्लेक्स वर्क्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूल्स। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, राइट? तो चलिए, यहाँ पर आज का वीडियो कंक्लूड कर रही हूँ। यहाँ मेरा मेल आईडी भी शेयर किया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के शुरू में मैंने अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया हुआ है। अगर आपको कुछ डाउट है बायोलॉजी सेक्शन से, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। I request you to please like, share and subscribe to my channel, and also to hit the bell icon. Thanks for watching.